शनिवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष जलेश्वर ठाकुर की अध्यक्षता में जन जागरण अभियान किया गया, जिसमें 5 सूत्री मांगे ना पूरा होने पर 8 अप्रैल की मध्य रात्रि से काम काज बंद कर चक्का जाम और हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी रेलवे बस स्टेशन स्टैंड कार्यालय पर इकट्ठा हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष संजय सिंह और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश कुमार राय ने कहा, जो भी साथी संगठन चलाते हैं मजदूर आंदोलन नहीं, ये कर्मचारी हित में और पेट की लड़ाई है, जिसमें चक्का जाम की घोषणा हो चुकी है संयुक्त परिषद द्वारा, उनके प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री द्वारा, जिसमें संविदा कर्मचारी चालक परिचालक संघर्ष समिति ने भी पूरे प्रदेश स्तर पर अपना इस चक्का जाम में भागीदारी के लिए समर्थन दे दिया है। और यह वादा करते हैं कि पूरा प्रदेश संविदा और नियमित कर्मचारी चक्का जाम करने का काम करेंगे और उसको कोई हटा नहीं पाएगा अगर मांगों को नहीं माना गया तो। ये हमारा एक वर्षों से मेरी डिमांड चल रही है कि 7वां वेतनमान लागू किया जाए कर्मचारी। दूसरी डिमांड थी कि लगभग हमारे 30,000 संविदा चालक परिचालक तथा कार्यकर्ता जिन्हें इनको समान वेतन का समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। हमारे संगठन से ये समझौता हुआ था कि इनको न्यूनतम 17,000 फिक्स किया जाए, परंतु समझौते को इतर करते हुए 17,000 मांग तो मानी गई, परंतु इतनी शर्तें लगा दी गई कि हमारे कर्मचारी वंचित हो गए। लगभग पूरे प्रदेश में 4,000 संविदा साथी को ये लाभ मिल रहा है, जबकि हमारी डिमांड है कि ये सभी संविदा साथियों को ये 17,000 फिक्स किया जाए, जिसकी संख्या 30,000 से 32,000 की है। इसी क्रम में प्रदेश नेतृत्व द्वारा ये आंदोलन की नोटिस दी गई थी, जिसमें 5 तारीख को टेढ़ी कोठी पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। उसी समय 2 राउंड की प्रमुख सचिव परिवहन से वार्ता हुई, परंतु निर्णय नहीं आया, जिसके वजह से प्रदेश नेतृत्व ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह अल्टीमेटम जारी किया कि अगर 72 घंटे के अंदर हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं तो 8 तारीख की मध्य रात्रि से अनिश्चितकालीन चक्का जाम कर दिया जाएगा, जिसके क्रम में आज हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं।